हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे पे जीएनजी सपोर्ट में। एंड आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हम जोमेटो पे इमेज अपलोड कैसे कर सकते हैं, क्या ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जिसके कारण इमेज रिजेक्ट हो जाती है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी इमेज जो है वो रिजेक्ट नहीं हो। तो उसी के लिए मैंने इस टॉपिक पर ये वीडियो बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं कुछ पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा जिसके कारण इमेज रिजेक्ट होती है, जिससे आप लोगों को फायदा रहेगा कि आप इमेज को अपलोड कैसे कर सकते हैं जैसे कि आपकी इमेज रिजेक्ट नहीं हो। तो चलो एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए मैं आप लोगों को बताते जाता हूँ। तो पहला पॉइंट होता है कि आपको कभी भी स्टॉक इमेजेस यूज़ नहीं करना है। स्टॉक इमेजेस लाइक गूगल से हमने इमेज निकाली और डाल दी, अपलोड कर दी, तो वो इमेजेस जो होती है वो स्टॉक इमेजेस होती है। या हमने किसी भी प्लेटफॉर्म से या ऑनलाइन निकाल कर किसी भी फोटो को या किसी थर्ड पर्सन की फोटो को अगर यूज़ करते हैं तो इमेज जो होती है वो रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर वो इमेज डली होती है। तो जोमेटो उसको वेरीफाई कर लेता है एंड उसको बता देता है कि रिजेक्टेड है। इसी के कारण वो जो इमेज होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। उसी के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो होता है गाइडलाइंस। गाइडलाइंस बहुत तरह की होती है। तो पहली गाइडलाइन जो होती है वो होती है कि इमेज जो होना चाहिए वो एक्चुअल बीच में होनी चाहिए। जो डिश होती है लाइक हमारे उसका जो साइज़ होता है वो इस टाइप का होता है, रेक्टेंगल साइज़। तो जो रेक्टेंगल साइज़ होता है जो इसमें डिश होती है वो एक्चुअल बीच में होना चाहिए। लाइक उसमें जो लाइक डिश इधर कोने में नहीं, इधर कोने में नहीं होनी चाहिए, या डिश एकदम कटी हुई नहीं होनी चाहिए। फुल डिश का जो साइज़ होता है वो एक्चुअल आना चाहिए, जो इमेज के फॉर्मेट में पूरा दिखना चाहिए, जिससे इमेज रिजेक्ट नहीं होती है। पहला गाइडलाइन ये होता है। उसके बाद होता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट बोले तो लाइक ज़्यादा हाई कॉन्ट्रास्ट पे इमेज नहीं होना चाहिए, एकदम लो कॉन्ट्रास्ट पे भी इमेज नहीं होना चाहिए। इमेज एक्चुअल एक फॉर्मेट में होना चाहिए जो देख के एक जेन्युइन लगे, ना ज़्यादा ना लो कॉन्ट्रास्ट पे होना नहीं चाहिए, ठीक है। जो ब्राइटनेस होती है वो एकदम सही होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है हैंड, लाइक फिजिकल कुछ भी फिजिकल पार्ट उसमें नहीं दिखना चाहिए। लाइक डिश के साथ किसी का हाथ दिख रहा है, डिश के साथ कुछ पार्ट दिख रहा है मतलब बॉडी का, तो वो जो इमेज होती है वो रिजेक्ट होती है। तो फिजिकल बॉडी पार्ट जो होता है वो नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट होता है कि आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, किसी भी तरीके की जो कटलरी होती है वो बॉल में या जो प्लेटिंग होती है जो डिश होती है उसमें नहीं दिखना चाहिए। कटलरी वाली इमेज रिजेक्ट होती है, विदाउट कटलरी वाली ही इमेज जो होती है वो सेलेक्ट होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को मैं बताते जा रहा हूँ, जिससे आपकी इमेज जो होगी वो रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इमेज ही है जो हमारे सेल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे पॉइंट आप लोगों को बता दूँ जिससे टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों को पता रहे एंड आप लोग भी जब इमेज अपलोड करें तो वो जो इमेज हो वो सेलेक्ट हो जाए, रिजेक्ट नहीं। क्योंकि एक इमेज को एडिट करना, क्योंकि एडिट करना पड़ता है जो उनको फॉर्मेट होता है उसके सबसे एडिट करके उसको अपलोड करना। तो जो इमेज का साइज होता है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि इमेज का साइज होता है ये। तो मैं अब आप लोगों को इमेज का साइज बता देता हूँ कि किस साइज में हमें इमेज अपलोड करना रहता है जो जोमेटो अप्रूव करता है। तो जैसे कि मैंने कैनवा ऐप ओपन करके कस्टम साइज करा है एंड इसी में मैं विड्थ डाल दूँ 1024 एंड उसके बाद मैं हाइट डाल देता हूँ, और वो भी मैं दोनों जो चीज़ें हैं वो PX में डालूंगा, जिससे क्या होगा कि वो साइज जो है वो अप्रूव हो जाएगा। आप भी गौर से देखिएगा क्या साइज में डाल रहा हूँ। फिर मैं डालता हूँ 768 हाइट पे, ठीक है। अब मैंने जब ये इमेज साइज डाला तो ये एक फॉर्मेट खुल गया, इसी फॉर्मेट पे मुझे अब इमेज अप्रूव करना है। जैसे कि फॉर्मेट तो सेट हो चुका है, मैं इस पर एक डिश का फोटो ऐड करके दिखा देता हूँ। तो मैं बर्गर का इमेज सेलेक्ट करा है, अब मैं इसको एकदम फॉर्मेट के हिसाब से सेट कर देता हूँ, जैसे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस टाइप में हम इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा इस साइज में फोटो को अपलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, कुछ पॉइंट्स आप लोगों के काम आएंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।